हरिओम मित्रों, आज का हिंदू पंचांग दिनांक 9 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि चतुर्दशी, शाम 6:07 तक, तत्पश्चात पूर्णिमा, धनिष्ठा नक्षत्र, सुबह 11:35 तक, तत्पश्चात शतभिषा, सुकर्मा योग, शाम 6:12 तक, तत्पश्चात धृति योग, राहुकाल सुबह 11:04 से 12:37 तक, सूर्योदय 6:25 पर एवं सूर्यास्त 6:49 पर, दिशाशूल पश्चिम दिशा में, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:52 से 5:38 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:14 से 1 बजे तक, अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। महालय श्राद्धारंभ 10 सितंबर 2022। श्रद्धा और मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। विधि पूर्वक श्राद्ध करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और निष्काम भाव से करने पर व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्मत्व की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखने योग्य 3 बातें, शुद्धि, अक्रोध, अत्तुरा यानी जल्दबाजी नहीं। 7 चीज़ों की शुद्धि, श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, धन वस्तुएँ आदि, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। गीता पाठ व फल अर्पण, श्राद्ध के दिन भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए। पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, जो अपनी तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार यदि अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग को तर्पण करें तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। ऋषि प्रसाद सितंबर 2018। साइड इफ़ेक्ट हुआ हो तो, आयुर्वेद साइड इफ़ेक्ट ना हो ऐसा बताता है। गिलोय का रस ले लिया करो, गिलोय जहाँ तहाँ खूब मिलती है, उसकी टहनियाँ तोड़ के मिक्सी में घुमा दो और सुबह सुबह गिलोय का 20-25 मिलीलीटर रस ले लिया करो, कैसा भी साइड इफ़ेक्ट हुआ हो भाग जाएगा। पूज्य बापू जी, हरिओम।